पाकिस्तानी टू फास्टेस्ट प्लेयर मध्य मुकाबले इन फोर गर्ल्स के देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या शॉट लगे। ओ माय गॉड, रेड नंबर शॉट और वन टैप यहाँ पर अलीट्रा की तरफ से लग चुका है। लास्ट प्लेयर यहाँ पर और कॉपी खत्म किया वन टैप के साथ। अलीट्रा यहाँ पर ऑन फायर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, का साथ देंगे यहाँ पर स्पैरो एफएफ और स्पैरो एफएफ निकल कर आए हैं। क्या ही रैंड नंबर शॉट लगे हैं यहाँ पर और स्पैरो एफएफ लास्ट प्लेयर को भी खत्म करते हुए दिखाई देंगे ओनली रैंड नंबर्स के साथ यहाँ पर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब क्लियर गेमिंग चैनल एंड मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त छोटू गुरु। तो गाइस वापस आ चुके हैं बहुत ही तगड़े मैच के साथ। यहां पर दो पाकिस्तान के फास्टेस्ट प्लेयर मुकाबला करने वाले हैं यहां पर यूटो गर्ल से बिलोंग करने वाले स्क्वाड का, जहां पर रीश खीर एंड गाइस यहां पर देसी गर्ल देखने को मिलने वाली है जो कि लीडर रहने वाली है। तो ये स्क्वाड है यहां पर गर्ल्स का और इनका मुकाबला यहां पर रहने वाला है पाकिस्तान के दो फास्टेस्ट प्लेयर के साथ, स्पैरो एफएफ जिनकी मूवमेंट एंड एक्यूरेसी को बहुत सराहा जाता है और उनका साथ देते हुए दिखाई देने वाले हैं रिसेंटली यहां पर पाकिस्तान में एक नया नाम और एक नए लेजेंड बनते हुए दिखाई देने वाले प्लेयर अलीट्रा एफएफ के साथ। और लेट्स सी गाइस, यहां पर पहले राउंड में एक प्लेयर को डाउन कर दिया गया। अलीट्रा की बात करेंगे, मूवमेंट स्पीड बहुत तगड़ी देखने को मिलती है और स्पैरो को इन्होंने अपनी इंस्पिरेशन बनाया और ये देखिए गाइस हेडशॉट लगा दिया तेज मूवमेंट के साथ और एक और प्लेयर को डाउन करने में कामयाब हुए हैं। लेट्स सी गाइस, यहां पर स्पैरो दूसरी तरफ यहां पर शॉट लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दो प्लेयर्स को यहां पर जो है वो खत्म किया गया है। अलीट्रा की तरफ से यहां पर जो है एक और प्लेयर डाउन किया गया है। लेट्स सी गाइस यहां पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओ हेडशॉट लगा दिया अलीट्रा ने, लेकिन यहां पर खुद भी डाउन हो जाएंगे। स्पैरो को अब लास्ट प्लेयर को खत्म करना है, 2v4 है तो यहां पर देखना पड़ेगा क्या यहां पर स्पैरो लास्ट प्लेयर को खत्म करने के साथ यहां पर पहला राउंड अपने नाम करने में कामयाब होते हैं। ओके बाय निकल कर आए, शॉट जरूर लगाने की कोशिश की जा रही है लेकिन हेडशॉट के साथ यहां पर पहला राउंड अपने नाम करते हुए दिखाई देने वाले हैं स्पैरो एफएफ यहां पर। सेकंड राउंड की बात करते हैं तो यहां पर राउंड स्टार्ट हो चुका है, दो दो किल करते हुए दिखाई दिए हैं। लेजेंड भी यहां पर दो किल करने में कामयाब हुए हैं और स्पैरो की जानिब से भी दो ही किल किए गए हैं और अब देखना पड़ेगा गर्ल्स कमबैक करती हुई दिखाई देने वाली है या फिर ये दोनों लेजेंड प्लेयर गर्ल्स के लिए काफी मुश्किलें खड़ी कर देंगे। एक और प्लेयर को डाउन किया गया है लेजेंड अलीट्रा की तरफ से। लेट्स सी गाइस यहां पर आगे निकल कर आए हैं, इस बार डाउन किया जाएगा। ओ माय गॉड, ये राउंड बहुत जल्दी गर्ल्स के नाम होता हुआ दिखाई दिया और अरीश यहां पर दो किल करने में कामयाब हुई है। स्पैरो की बात करेंगे, मूवमेंट किंग है यहां पर और इस मूवमेंट के साथ वो किसी को भी अपने आप को शॉट नहीं लगाने देंगे। गाइस यहां पर तीनों गर्ल्स के दरमियान दिखाई दे रहे हैं और एक भी यहां पर जो है वो गर्ल उनको मुकम्मल करने में कामयाब नहीं हो रही। साइड से यहां पर अलीट्रा आ चुके हैं, एक प्लेयर को डाउन किया, क्या ही खूबसूरत यहां पर हेडशॉट देखने को मिले हैं लेकिन गाइस अलीट्रा की एचपी भी कम होती हुई दिखाई दे रही है। अलीट्रा को डाउन कर दिया गया, स्पैरो यहां पर अकेले रह चुके हैं। लेट्स सी गाइस बाहर निकल कर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक प्लेयर डाउन। ओ खेड का यहां पर शॉट आएगा और ये देखें गाइस यहां पर गर्ल्स भी रुकने का नाम नहीं ले रही, यहां पर उनकी जानिब से भी किल किए जा रहे हैं और दो राउंड्स उन्होंने पहले निकाल लिए। क्या ही स्प्रे किए रैंड नंबर शॉट्स की स्पैरो ने यहां पर और आगे बढ़ते हुए दिखाई देने वाले हैं। ओके डाउन करेंगे, यहां पर दो प्लेयर्स डाउन हो चुके हैं। दूसरी जानिब से लीट्रा भी एक प्लेयर को डाउन करने में कामयाब हो चुके हैं तो दो प्लेयर्स यहां पर रह चुकी हैं और यहां पर स्पैरो एफएफ एंड गाइस यहां पर दिखाई देने वाले हैं लेजेंड अलीट्रा हमें और लेट्स सी गाइस यहां पर फिर सामने आती हुई नजर आ रही है। काफी खतरनाक गेम प्ले रही है इनकी और इस बार देखना पड़ेगा रैंड नंबर शॉट्स लगा दिए, स्पैरो को भी मुश्किल में डाल रहे हैं। यहां पर ग्लूवल हटी थी लेकिन यहां पर खत्म नहीं कर सके, लेकिन अलीट्रा की बात करेंगे वो साइड से आते हुए नजर आ रहे हैं, उनको भी यहां पर डैमेज पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां पर बहुत ही जबरदस्त गेम प्ले की जा रही है, रैंड नंबर शॉट लगाया गया है यहां पर स्पैरो की जानिब से। अलीट्रा भी पीछे से कवर देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन राउंड नहीं निकल पा रहा है यहां पर, दोनों प्लेयर्स की तरफ से इस बार फायर आए हैं। रैंड नंबर स्प्रे किया यहां पर स्पैरो एफएफ ने, लास्ट प्लेयर को भी यहां पर रैंड नंबर लगाएंगे और ये राउंड स्पैरो एफएफ अपने नाम करने में कामयाब हो जाएंगे। तो गाइस यहां पर 2v2 की सिचुएशन हो चुकी है और काफी जबरदस्त गेम प्ले देखने को मिल रही है दोनों जानिब से, जहां पर एक तरफ है पाकिस्तान के दो लेजेंड प्लेयर और दो फास्टेस्ट प्लेयर और उनका मुकाबला यहां पर कर रही है यूटो गर्ल्स, यहां पर यूटो गर्ल्स से बिलोंग करने वाला ये स्क्वाड। और लेट्स सी गाइस यहां पर एक प्लेयर को डाउन किया गया है यहां पर बहुत जबरदस्त अलीट्रा की यहां पर रैंड नंबर स्प्रे जो देखने को मिल रही है खतरनाक साबित हो रही है सामने गर्ल्स के लिए। और फिर से यहां पे हेडशॉट लगा और ये लगेगा खीर्त की जानिब से, बहुत तगड़ा गेम प्ले देखने को मिल रहा है उनकी तरफ से और डाउन करके खत्म किया है। इस बार लीटर अकेले रह चुके हैं और एक प्लेयर को डाउन करते हुए दिखाई दिए। लेट्स सी गाइस यहां पर दो प्लेयर को खत्म कर पाएंगे अकेले और फिर से रैंड नंबर शॉट लगा दिया यहां पर लेकिन यहां पर डाउन नहीं कर पाए, इस बार निकल कर आए। ओ वेरी नाइस गाइस, यहां पर वन टैप दिया है और MVD7 का खतरनाक शॉट देखने को मिला है और अब देखना पड़ेगा लास्ट प्लेयर रह चुकी हैं और यहां पर उनको खत्म किया जाएगा यहां पर अलीट्रा की तरफ से या फिर अलीट्रा खत्म होते हुए दिखाई देंगे। इस बार बाहर निकल कर आए हैं और देखना पड़ेगा इस बार ग्लू वॉल्स की स्पीड लगती हुई दिखाई दे रही है, UMP चलेगी, बिल्कुल चलेगी यहां पर रैंड नंबर शॉट्स के साथ। ये राउंड अलीट्रा अपने नाम निकालने में कामयाब हो चुके हैं और लीड बन चुकी है गाइस यहां पर 3-2 की सिचुएशन हो चुकी है। स्पैरो की बात करेंगे, काफी दूर से हेडशॉट्स लगा दिए यहां पर
और प्लेयर को डाउन कर दिया। बहुत खतरनाक गेम प्ले यहाँ पर स्पैरो एफएफ की तरफ से चलती हुई दिखाई दे रही है। और बात कर लेते हैं यहाँ पर एलिट्रा की, जो कि अपनी मूवमेंट के साथ साथ अपनी तगड़ी एक्यूरेसी भी दिखाते नजर आ रही है। इस बार रैंड नंबर शॉट लगाए, बाहर निकल कर आए और वन टैप लगाया। भाई साहब क्या खेल रहा है यहाँ पर ये बंदा, और डाउन करने में कामयाब हुए। स्पैरो यहाँ पर दूर से आते हुए दिखाई देने वाले हैं, लेकिन एक ही प्लेयर रह चुका है, क्या वो लीट्रा अकेले खत्म करने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे। सामने प्लेयर मौजूद है, बाहर निकल कर आए, काफी डैमेज हो चुके हैं। लीट्रा हेडशॉट लगाना चाह रहे हैं, मुझे लगता है मुश्किल हो सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे लगेगा हेडशॉट और ये राउंड भी जाता हुआ दिखाई देगा यहाँ पर बिल्कुल इन दोनों लेजेंड्स प्लेयर की तरफ। और 2-4 की सिचुएशन हो चुकी है, स्पैरो आगे बढ़ते हुए दिखाई देने वाले। ओके, इस बार पड़ेगा वन टैप, सामने से मौजूद है, यहाँ पर देखना पड़ेगा किसने लगाया। मानून ने यहाँ पर हेडशॉट लगा दिया और अब अलीट्रा अकेले खुद को तन्हा पाते हुए, चार गर्ल्स हैं और खत्म कर पाना इतना आसान नहीं है, और एक साथ अब जब अटैक करेंगी तो मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल यहाँ पर रैंडम पर शॉट सकाए जा रहे हैं, लेकिन सामने से भी अलीट्रा को बहुत डैमेज कर दिया गया है। थोड़ा पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, ग्लूवाल्स की स्पीड और ग्लूवाल की मूवमेंट के साथ आगे बढ़े, लेकिन हेडशॉट मानूर इस बार दोनों प्लेयर्स को खत्म करने में कामयाब हुई हैं। और ये राउंड यहां पर योटो गर्ल्स की जानी जाता हूं दिखाई देने वाला है। 3-4 की सिचुएशन देखने को मिलेगी और इतनी तगड़ी मूवमेंट के साथ जो है यहां पर लीड भी बनी हुई है, और देखना पड़ेगा राउंड और कितने निकालने में कामयाब होते हैं। अलीट्रा की बात करेंगे, थोड़ा पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, ग्लूवास लग रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ग्लूवास का ग्लिच आ चुका है और इसी वजह से इतनी ग्लूवास लगती हुई दिखाई दे रही है। और ये गाइस हेडशॉट लगा दिया, स्पैरो अकेले रह चुके हैं और अब स्पैरो को चारों प्लेयर्स का सामना करना पड़ेगा। लास्ट राउंड में हमने देखा कि सेम सिचुएशन अलीट्रा के साथ बनती हुई दिखाई दी है, लेकिन इस बार स्पैरो के साथ सेम सिचुएशन बन चुकी है। और स्पैरो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोशिश जरूर करेंगे यहाँ पर चारों को खत्म करने की, लेकिन अगर वो एक साथ आएंगी तो मेरा ख्याल है मुश्किल हो जाएगी इतनी फास्ट मूवमेंट के साथ। ओह माय गॉड, सिर्फ 20 एचपी बचेगी और खुद को पैक कर लिया गया। और इर्द गिर्द यहाँ पर गर्ल्स दिखाई देने वाली हैं और मुझे लगता है कि मुश्किल होने वाली है, बहुत मुश्किल होने वाली है चारों गर्ल्स यहाँ पर। और रूल्स में यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया था कि ग्लूवाल ब्रेक नहीं कर सकते और रिवाइव नहीं कर सकते, ताकि थोड़ा सा बेनिफिट दो प्लेयर्स को रह सके जो कि मुकाबला कर रहे हैं चार प्लेयर्स का। तो यही बात है कि यहाँ पर रूल्स को भी फॉलो किया जा रहा है। और यहाँ पर स्पैरो नहीं, यहाँ पर निकल पाना ही बहुत मुश्किल है, और खुद को यहाँ पर जब वो इमोट के साथ सलियाँ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी गाइस, यहाँ पर निकलना पड़ेगा, और क्या एक हाथ को भी डाउन करते हैं तो शायद थोड़ा सा मामला सेट हो जाए, लेकिन नहीं, यहाँ पर शॉट लगाए लेकिन कोई शॉट नहीं लगा, बैक साइड से इतना डैमेज आता हुआ नजर आ रहा है, और प्लेयर सामने वाले को कितने ही तगड़े शॉट लगे हैं, लेकिन ये राउंड जाएगा फिर से गर्ल्स की जानिब। और 4-4 की सिचुएशन ईच हो चुकी है गाइस, और यहाँ पर लीटा आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पैरो की बात करेंगे, बिल्कुल सामने जा रहे थे और ये शॉट बिल्कुल सामने से लगेंगे, और अलीट्रा अब अकेले रह चुके हैं और अलीट्रा को अब चारों का मुकाबला करना पड़ेगा। मींस कि यहाँ पर गर्ल्स अब बहुत तगड़ा कमबैक कर रही हैं और मुश्किल में डाल दिया उन्होंने यहाँ पर दोनों प्लेयर्स को। अब यहाँ पर राउंड निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। 4-4 ईच हो चुका है, यहाँ पर मेडिकेट लगाते हुए दिखाई देने वाले हैं अलीट्रा, और इतनी जो है वो मुझे नहीं लगता कि आसानी से खत्म कर पाएंगे अब चारों प्लेयर्स को, क्योंकि यहाँ पर जो है जिस तरीके से डैमेज देते हुए दिखाई दे रही है। और ये देखिए गाइस, यहाँ पर देसी गर्ल की तरफ से लगाए शॉट और ये राउंड जाएगा फिर से गर्ल्स की जानिब यहाँ पर। ओके गाइस, यहाँ पर गर्ल्स लीड में आ चुकी हैं और 5-4 के साथ इस राउंड में देखना पड़ेगा अगर ये भी राउंड अपने नाम करने में कामयाब होती हैं। लेकिन यहाँ पर अरीश को डाउन कर दिया गया और हेडशॉट यहाँ पर देखने को मिला है, और यहाँ पर अलीट्रा दूसरी जानी से देखने को मिल रहे हैं और एक और प्लेयर को डाउन, और देखते देखते 3 प्लेयर्स डाउन हो चुकी हैं यहाँ पर। और स्पैरो एंड अलीट्रा इस मैच में राउंड में कमबैक करते हुए दिखाई देने वाले हैं। केली किल्स बची हैं यहाँ पर, 2 बहुत अच्छा खेलती हुई दिखाई दे रही है, 4 किल्स के साथ भी दिखाई दे रही है, लेकिन गाइस अभी 2 प्लेयर्स हैं तो मेरा ख्याल है मुश्किल होने वाली है। अलीट्रा ने हेडशॉट तो लगाया यहाँ पर और स्पैरो बिल्कुल सामने चले गए और रुके, हेडशॉट लगाया और खत्म किया। 5-5 राउंड यहां पर बराबर हो चुके हैं और काफी जबरदस्त गाइस यहां पर जो है वो गेम प्ले बन चुकी है। लेट्स सी, अब दोनों प्लेयर्स बड़ा संभल के खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि ये 2 राउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोनों प्लेयर्स के लिए और सामने से चारों प्लेयर्स के लिए भी जो गर्ल्स यहां पर प्ले करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उनको भी नीड है यहां पर 2 राउंड्स की और जीतने के लिए। क्या वो यहां पर जो है कुछ कर पाएंगी? लेट्स सी गाइस, यहां पर लेजेंड थोड़ा पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, शॉट लगाने के लिए तैयार हैं, करीब आए हैं और अपनी मूवमेंट से थोड़ा घुमाते हुए जरूर दिखाई देने वाले हैं। यहां पर देसी गर्ल सामने हैं लेकिन नहीं खत्म कर पाएंगी यहाँ पर, और शॉट यहाँ पर स्पैरो की बात करेंगे, बहुत कम एचपी रह चुकी है, 5-5 पीच है और यहाँ पर 2 प्लेयर्स को डाउन कर दिया गया है यहाँ पर इन दोनों लेजेंड्स प्लेयर की तरफ से। लेकिन गाइस अगर देखा जाए तो योटो गर्ल्स की जानी से 2 प्लेयर्स रह चुकी हैं और उनकी तरफ से भी कमबैक आ सकता है, वो दोनों यहाँ पर दोनों को खत्म कर सकती है, लेकिन ऐसा होने दिया जाएगा या नहीं होने दिया जाएगा ये देखना पड़ेगा। स्पैरो बहुत संभल के खेल रहे हैं, बहुत संभल के खेल रहे हैं, एक और प्लेयर को यहाँ पर उन्होंने शॉट लगाए हैं और अब यहाँ पर 2 प्लेयर्स देखने को मिलने वाली हैं और ओह माय गॉड, एक और प्लेयर को डाउन कर दिया गया, लास्ट प्लेयर हमें देखने को मिल रही है। लेट्स सी यहाँ पर लास्ट प्लेयर कौन रहने वाली है, और यहाँ पर ग्लूवाल के अंदर खुद को पैक किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो अरीश रह चुकी है, 4 किल और यहाँ पर ग्लूवाल हटी और दुर्घटना कटी यहाँ पर, लेजेंड
एलिट्रा की तरफ से शॉट आगा और यहाँ पर 6-5 की सिचुएशन हो चुकी है। तो गाइस यहाँ पर देखना पड़ेगा गर्ल्स की वापसी होती हुई दिखाई देने वाली है कि नहीं। यहाँ पर ओ एलिट्रा को डाउन कर दिया गया, स्पैरो खेले बचे हैं यहाँ पर। और इस राउंड में गर्ल्स ने बहुत जल्दी राउंड अपने नाम करने का सोच लिया है और स्पैरो थोड़ा पीछे हटते हुए दिखाई देने वाली है बहुत कम। और यहाँ पे ग्लिच, ओ माय गॉड शॉट लगा, 6-6 ईच हो चुका है यहाँ पर। क्या ही इंटेंस मैच चल रहा है यहाँ पर। 4-2 की यहाँ पर जो तगड़ी फाइट हमें देखने को मिल रही है उसमें सिचुएशन यहाँ पर 6-6 ईच हो चुकी है। लास्ट राउंड साबित हो सकता है यहाँ पर दोनों तरफ से। और यहाँ पे आते सारे स्पैरो को हेडशॉट लग चुका है, लेकिन इस बार एलिट्रा पहुंचेगी और बचाएंगे। उन्हें पता है कि इस राउंड में अगर स्पैरो उनके साथ नहीं रहेंगे तो यहाँ पर जो है वो मामला खराब हो सकते हैं और यहाँ पर राउंड हाथ से निकल सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट राउंड चलता हुआ दिखाई देने वाला है और यहाँ पर कौन जीता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर दो पाकिस्तानी फास्ट प्लेयर ने एक बात तो साबित कर दिया कि वो बहुत तगड़ा खेलते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो जिस तरीके से चार गर्ल्स का मुकाबला कर रहे थे और फिर सामने से चार गर्ल्स भी बहुत तगड़े मूवमेंट गेम प्ले कर रही थी। और यही बात है कि यहाँ पर इतनी मुश्किल में डाल दिया, सिचुएशन 6-6 की दिखाई दे रही है और एचपी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो बचना पड़ेगा, लेकिन स्पैरो ग्लूआ से ही नहीं निकल पाए और यहाँ पे खत्म कर दिए गए। यहाँ पर एलिट्रा अकेले खुद को तना पाते हुए पीछे हटते हुए दिखाई दे रही है। चार प्लेयर्स का उनको मुकाबला करना पड़ेगा और 15 किल यहाँ पर उनकी तरफ से देखने को मिले हैं। क्या ही जबरदस्त गेम प्ले यहाँ पर करते हुए दिखाई दिए, लेकिन गाइस यहाँ पर मुझे नहीं लगता गर्ल्स उनको छोड़ने वाली है। और लास्ट राउंड यहाँ पर गर्ल्स के नाम होता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पर खत्म किया गया एलिट्रा को और ये राउंड जीत लिया गया गर्ल्स की जानिब से। लेकिन गाइस दोनों तरफ से बहुत ही तगड़ी गेम प्ले देखने को मिली है। होपफुली गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।